सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 फोन में आप न्यू डायलर को कैसे चेंज करोगे। जैसे कि अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है, आप यूज कर रहे हो अपने फोन में गूगल डायलर एंड वीवो का डायलर, उसे आप हटाकर अपने फोन में एक नया सा डायलर उसे लगा सकते हो एंड इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आप अपने फोन में कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना खुद का फोटोज एंड वीडियोस को भी लगा पाओगे। जो कि यहाँ पे एक न्यू डायलर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ इसे कैसे अपने फोन में यूज करोगे एंड कैसे इसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाला डायलर आप लोग को दिख रहा है। अब मैंने डायलर पे गया एंड यहाँ पे मैंने कुछ डायलर पे डायल करने वाला हूँ। यहाँ पे ये वाला डायलर आप लोग को दिख रहा है। अब इस डायलर पे मैं डायल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायल कर दिया। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारे कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे हमारा कुछ वीडियोस चल रहा है। तो आप इस तरीके का अगर यूज करना चाहते हैं अपने वीवो के Y21 फोन में, तो मैं आप लोग को फाइनली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग बताने वाले हैं जोल्ड डायलर कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड, जो कि आप अपने कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना फोटोस एंड वीडियोस वगैरह भी लगा पाओगे एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे गूगल डायलर को हटाकर एंड वीवो डायलर को हटाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड कैसे करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों इसके लिए आप लोग को प्ले स्टोर के अंदर आना है, इनेबल करना कैसे सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार पे आपको लिखना है JOLT कॉल बैकग्राउंड। जैसे आप लिखते हो जोल्ड कॉल बैकग्राउंड, यहां पे आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले से मैंने इसको यूज भी करता हूं एंड मेरे फोन में अच्छे से काम भी करता है। अगर आपके पास Y21 फोन है, आपके फोन में भी अच्छे से काम करेगा, जो कि मैंने ट्राई किया है। तो दोस्तों इसे क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना, ऑलरेडी पहले से मेरे फोन में डाउनलोड है। तो पहले इसे मैं अनइंस्टॉल करके फिर से आप लोग को डाउनलोड करके दिखा देता हूं। तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैंने इसको अनइंस्टॉल करने के बाद हम इसे डाउनलोड पे लगा देते हैं और ये एप्लीकेशन 11 MB का है एंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसकी डाउनलोडिंग रेटिंग वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डाउनलोड 10K है एंड अच्छी खासी रेटिंग है, तो एप्लीकेशन अच्छे से वर्क भी कर जाती है। अब ये हमारे फोन में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहला परमिशन अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपको इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। इनेबल पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 से 4 डायलर आपको देखने मिलेगा, आपका वीवो डायलर एंड गूगल डायलर, ये वाला हम जो कि यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना एंड यहाँ पे सेट डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये सेट हो जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो गूगल डायलर है, वीवो का डायलर है, ये रिमूव हो चुका है एंड ये वाला डायलर आप यूज कर पाओगे परमानेंटली के लिए। अगर आप वापस चाहोगे तो इसे अनइंस्टॉल करके उसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड, यहाँ पे स्टाइलिश वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल का मिल जाता है डायलर एंड आईफोन का बेस्ट है। अगर आप आईफोन का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आईफोन का चूज कर लिया है। अब यहाँ से हमें बैक करना, उसके बाद हमें मिल जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, बैकग्राउंड पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा, इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको वीडियो लगाना है तो वीडियो पे क्लिक करना एंड आपको यहाँ पे अपने वीडियोस के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके आना, जो भी जहाँ भी आपने अपना वीडियोस फाइल रखा है वहाँ पर आ जाना है। तो जैसे कि ये वाला वीडियोस है, यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, ये वाला वीडियोस को मैंने लगाया, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे कॉल बैकग्राउंड पे सेट हो चुका है। अब ये हमारे कॉल बैकग्राउंड पे सेट हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बैग आ जाना। बैग होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायल करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारे फोन में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो फाइनली इस तरीके से अपने कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे खुद का फोटोस एंड खुद का वीडियोस आप सेट कर सकते हो अपने वीवो के Y21 फोन में। तो एंड यहाँ पे आपको कट कर देते हैं, उसके बाद आपको इसके सेटिंग वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें सेटिंग पे आना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाता है, ब्लैक ब्लॉक नंबर वगैरह एंड यहाँ पे आपको सिम जो भी सेट करना है यहाँ पे आपको
आस्क का सिम का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमिंग वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, कॉल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे सेटिंग इसके अंदर हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ये एक सेटिंग, यहाँ पे अगर फिर से अगर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई भी दूसरा फोटो से एंड वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड पर जाना, फिर से कोई भी वीडियोस वगैरह भी लगा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसके लिए कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये वाला एप्लीकेशन बेस्ट है दोस्तों, आप अपने फोन में इसे ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके अंदर सेटिंग वगैरह भी जा सकते हैं, डार्क में भी इसे रख सकते हो, जैसे कि मैंने इसे डायलर को डार्क में भी यूज करता हूं एंड परमानेंटली लाइट में भी इसे यूज कर पाऊंगा। तो फाइनली इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉलो सिस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहां पे आपको जो भी चाहिए वो आप यहां पे यूज कर पाओगे, और डार्क वाला भी बेटर है, यहां पे आपका मिल जाता है लाइट वाला भी, तो बेटर है दोस्तों, इसे आप जाके अपने फोन में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया, जाके मैंने यहां पे ट्राई भी किया है एंड फिर जाके आपके लिए यहां पे वीडियो बना रहा हूं। तो फाइनली आप लोग को भी पसंद आएगा ये वाला डायलर, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो कमेंट में हमें बता सकते हो डायलर के बारे में कैसा डायलर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।